हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चंक्स की बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोया चंक्स की सब्जी बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने मिनी सोया चंक्स लिया है। आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसे हम नाप कर लेंगे। इधर 4 कप पानी मैंने रख दिया था उबलने के लिए। जब पानी हल्का सा उबलने लगेगा तब इसमें सोया चंक्स डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप सोया चंक्स लिया है और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। लेकिन सब्जी जो है हम 1.5 कप सोया चंक्स की बनाएंगे, क्योंकि 1/2 कप बॉयल्ड हमें सोया चंक्स ही है, इसीलिए मैंने 2 कप यहाँ पर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट जो है सोया चंक्स को यहाँ मैंने पका लिया है। और आप देख सकते हैं इसका साइज जो है काफी बड़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे निकाल लेंगे। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसे जो है हमें दबा दबा कर निकाल देना है। और थोड़े से सोया चंक्स यहाँ पर मैंने बचा लिए हैं, जिसे मैं राइस में डालकर बनाऊंगी। और ये जो हमारे सोया चंक्स हैं इन्हें पहले मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 कप यानी कि 1/4 कप फेटा हुआ दही लिया है। दही आप फ्रेश खट्टा कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे और 1 चम्मच जो है यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, जिसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया। और मीडियम साइज़ के मैंने 3 प्याज लिए थे। तो प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके जो हमें पेटल से निकाल के स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे चॉपर की मदद से आप चॉप कर लीजिएगा या फिर ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद इसे हम एक बार मिक्स करेंगे। दही जो है आप यहाँ पर थिक लीजिएगा, नहीं तो फिर ये जो है पतला हो जाएगा। इधर कढ़ाई मैंने रख दी। हम इसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मैरिनेटेड ये सोया चंक्स डाल देंगे। पहले हम मीडियम फ्लेम पर इसे जो है कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। तो ये देखिए फिर 10 से 12 मिनट हो गए इन्हें फ्राई करते हुए, बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो इन्हें जो है मैं निकाल लेती हूँ। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो है 1 छोटा चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, आप और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। इसके बाद जो है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद जो है यहाँ मैंने प्याज को चॉप करके रखा है, उसे डाल देंगे। पहले मीडियम फ्लेम पर, इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेना है। तो फिर प्याज जो है हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को भी यहाँ मैंने चॉप करके लिया है। मैंने मीडियम साइज़ की 2 टमाटर लिए थे। तो टमाटर को पहले हम यहाँ कुछ सेकंड पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 छोटे चम्मच यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है। और 1 चम्मच जो है यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला लिया है। आप किचन किंग मसाला ले सकते हैं या और कोई भी मसाला ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा तेज़पन हो। 1/3 कप पानी और 1 चम्मच नमक डालकर पहले मीडियम फ्लेम पर, इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले को कवर करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मसाला जो है हमारा अच्छे से पक गया है, यानी मसाले से ऑयल जो है रिलीज़ हो गया है। यह पहचान होती है कि मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल देंगे। कुछ सेकेंड लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। टोमेटो केचप डालने से इसमें जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद जो है इसमें सोया चंक्स डालेंगे। फ्लेम को हम यहाँ मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी जो है हम कच्चा नहीं डालेंगे, पका हुआ डालेंगे, यानी पानी को हमें उबाल कर लेना है। तो यहाँ मैंने 1/3 कप पानी लिया है। नमक मैंने पहले ही डाल लिया था। जब ग्रेवी अच्छे से उबलने लगेगी तब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट पकाना है। तो चलिए देखते हैं, फिर 4 से 5 मिनट हो गए। इसमें 1/4 छोटा चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच जो है इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे। इसके बाद जो हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर 5 मिनट हो गए और आप ये देख सकते हैं सब्ज़ी देखने में कितनी बढ़िया लग रही और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे पूरी, पराठे, राइस के साथ किसी के भी साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं।